फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए, ये DRDO वाले बच्चों के लिए है सिर्फ ये, और जो जो लोग मतलब जिसका ITI है सिर्फ ये उसका ये पेपर सेट है, ये जनरल पेपर का सेट नहीं है, ठीक है। तो जिन बच्चों लोगों ने ITI किया है, प्लीज़ ये सिर्फ उनका सैम्पल पेपर है और DRDO वाले बच्चों का ही है। आपको अच्छे तरीके से ये सॉल्व करना है और बताना है कि आप इसको, आपका इसमें कितना क्वेश्चन यहाँ पे राइट जा रहा है। आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे कि आप यहाँ पे कितना क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, आपके ITI में बहुत अलग अलग, मतलब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जो भी अलग अलग हैं, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स का नाम नहीं लिखती हूँ। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ऑलरेडी सारे सैम्पल्स पेपर आपके लिए लेके आती हूँ ITI का पूरा। तो आपको इसमें देखना है कि वो पेपर्स आपका है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि ITI में बहुत सारे सब्जेक्ट्स, जैसे हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स अलग है, हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है। तो अगर मुझे मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर मिलता है तो मैं इकोनॉमिक्स का पेपर देखती हूँ। तो वैसे ही ITI में मैकेनिकल है, कुछ इंजीनियरिंग है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है, काफ़ी सारे अलग अलग आपका है यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं अलग अलग सेट लेके आती हूँ, आपको अपना देखना है कि आपका है तो आपको प्रैक्टिस करना है, नहीं है आपका तो आपको नो लिखना है। और ITI में किसको कौन से भी मतलब सैम्पल पेपर चाहिए वो मुझे क्या करेगा, सब लोग यहाँ पे कमेंट्स करके लिख के दोगे कि आपको इस चीज़ में यहाँ पे सैम्पल्स पेपर चाहिए, ठीक है। तो जिन लोगों ने मेरे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रेनू आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही लेके आती हूँ, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखना है। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है ये, मैं ऑलरेडी क्वेश्चन को रीडिंग करने वाली नहीं हूँ क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट जाएगा, इतने पूरे उसमें थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना या वीडियो को पॉज करके देखना है, ठीक है। स्टार्ट कीजिए प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट हो सके तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 and 7, 8, 9 10, 11 12 ये देखिए आपके वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ यहाँ पे पिक्चर्स होते हैं वैसा करके आपको बताया गया है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको अच्छे से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद समझना है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वैसे ही टाइप को आपको अपना प्रिपरेशंस भी करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और ITI बच्चों, आपको यहाँ पे काम ये करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स का आपको यहाँ पे सैम्पल पेपर प्रैक्टिस चाहिए, आपको यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, 21 क्वेश्चन नंबर 22, 23 आई होप सबको प्रॉपर दिखता होगा, ठीक है। 24, 25 This is the 26 questions. हाँ, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहे थे कि मैम आप हिंदी में ही लेके आओ। देखो बेटा, कुछ पेपर्स हिंदी में नहीं मिलते हैं यहाँ पे, इसलिए मुझे इंग्लिश में लेके आना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि इसको इंग्लिश का हिंदी कैसे कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन को पढ़िए, अपने आप समझ में आएगा, कुछ और खास नहीं, आपके सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपर, ओके। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगा आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31, 32 ये 32 का फूल मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ क्योंकि उसका ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस 33, 34, 35, 36, 37, 38
थर्टी एट का क्वेश्चन पूरा यहाँ पे ला देती हूँ आपको ऑप्शन के साथ में। अब ठीक है, ये इसका मैच द कॉलम है यहाँ पे। थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन एंड 42 भी अच्छे तरीके से आपको प्रॉपर दिखा। फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन एंड फिफ्टी। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाने वाली हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, अच्छे तरीके से जितना भी आपका राइट हुआ है आपको पहले कमेंट्स में बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन राइट हुआ है। प्लस उसके बाद आपको ये बताना है कि पेपर हार्ड है कि इजी, आपको ये भी बताना है। एंड दूसरे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कमेंट करेंगे कि ये आपका पेपर है कि नहीं, अगर आपका पेपर है कौन सा है, आईटीआई में कौन सा सब्जेक्ट है आपका, वो भी आप मुझे यहाँ क्या करो कमेंट्स करोगे कि आपको इसका सैम्पल पेपर चाहिए। ठीक है, तो जिस बच्चे को ज़्यादा मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स यहाँ पे अगर जिस भी सब्जेक्ट का आएगा मैं यहाँ पे कमेंट्स, मैं उसका सैम्पल पेपर पहले लेके आऊँगी। ठीक है, ये है सोल्यूशन, आप सोल्यूशन देख लीजिए अच्छे से। अच्छे से आप सोल्यूशन को देखिए और समझिए कैसे किस तरीके से किया गया है। नेक्स्ट टेन का ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। ठीक है, अब इलेवन ट्वेल्व का ऑप्शन देख लीजिए। थर्टीन का ऑप्शन देखिए यहाँ पे। फोर्टीन फिफ्टीन का ऑप्शन देखिए, ये कंटिन्यू है यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा साथ में कर देती हूँ जैसे आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, आपको थोड़ा सा जूम करके देखना रहेगा वहाँ पे। सिक्सटीन का ऑप्शन देखिए यहाँ पे एंड सेवेंटीन का। सेवेंटीन एटीन एंड नाइनटीन, नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये ट्वेंटी वन का ऑप्शन है। अच्छे तरीके से ट्वेंटी वन का ऑप्शन देख लीजिए आप किस तरीके से सॉल्व किया गया है। अब ये ट्वेंटी टू थ्री फोर फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी यहाँ पे थर्टी वन है। ओके, थर्टी के बाद थर्टी वन थर्टी टू
अच्छे से सारे ऑप्शन को आप देख लीजिए। 35 का पूरा देख लीजिए, 36, 37, 40 तक है यहाँ पे, 41 से लेके ये पूरा 45 तक है यहाँ पे आपका आंसर। ये 46, 47, 48, यस दिस इज द लास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन देख के देखना है कि आपका कितना क्वेश्चन राइट हो रहा है, कमेंट्स करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और एक नया सजेशन के साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।